हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिस्टोरिकल हरिद्वार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 5G से फैल रहा है कोरोना। 5G को लेकर इन दिनों बहुत सी बातें कही जा रही हैं। इसको लेकर कुछ सवाल और उनके जवाब आइए जानते हैं। क्या है 5G? 5G फिफ्थ जनरेशन की टेक्निक है जो फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करेगी। 5G नेटवर्क 20 GB पर सेकंड की स्पीड देगा और 5G सेलुलर नेटवर्क की फिफ्थ जनरेशन है जो फास्ट नेटवर्क स्पीड, बिना रुकावट HD सफरिंग, बेहतरीन सेवा और भी बहुत कुछ। यह नए जमाने की मोबाइल फोन टेक्निक है जिसके जरिए संचार और डेटा ट्रांसफर तीव्र गति से संभव हो सकेगा। अनुमान है कि यह मौजूदा 4G से करीब 20 गुना अधिक तेज है। 5G क्यों जरूरी है? तकनीकी दुनिया में सूचनाओं का स्पीडली आदान प्रदान समय की जरूरत बन चुका है। 5G के साथ डाटा नेटवर्क स्पीड 2 से 20 GB प्रति सेकंड तक होने की उम्मीद है। 5G का प्रभाव चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा जो उच्च नेटवर्क स्पीड पर निर्भर करते हैं। 5 से 6 सेकंड में फुल फिल्म डाउनलोड, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रोसेसर है। कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में मिलेगी। अभी जो काम कंप्यूटर लैपटॉप से होते हैं उन्हें मोबाइल से भी किया जा सकेगा। 5G को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? इन दिनों सोशल मीडिया में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए 5G टेक्निक को दोषी ठहराया जा रहा है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है वहां इस तरह की किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में भारत में यह कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? दूर संचार मंत्रालय ने भी बताया है कि कोरोना से 5G का कोई भी संबंध नहीं है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन किया है कि 5G परीक्षण और इसकी तकनीकी से किसी भी प्रकार का संक्रमण फैल सकता है। 5G उस मोबाइल टावर नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं जो मानव की सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। WHO 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना से जुड़े इस दावे को पहले ही खारिज कर चुका है। इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के पीछे की वजह 5G टावरों की टेस्टिंग से निकली रेडिएशन है और 5G टेक्नोलॉजी लोगों के लिए हानिकारक है। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।